हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मुरमुरे से बनने वाली झटपट सी एक रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत ही झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ मुरमुरे ले लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम बेसन का घोल बना लेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन ले लिए, उसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी कुटी हुई, नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा हींग डालूंगी, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये डालकर मैं इसका एक घोल बना लूंगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मुझे इसका एक घोल बना लेना है। इस तरह से हमें घोल तैयार कर लेना है और इसे हम मुरमुरे में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से और मुरमुरे को रेस्ट करने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह मुरमुरे में बेसन मिक्स करके उसे रेस्ट करने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। मुरमुरे हमारे थोड़े क्रंची होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर का फीलिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने बारीक कटी हुई प्याज ले लिया है, बारीक कटे हुए हरा धनिया, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, और मैं इसमें कद्दूकस करके पनीर डालूंगी। इस तरह से कद्दूकस करके मैं इसमें पनीर ले लूंगी। इस तरह से मैंने पनीर कद्दूकस करके ले लिया है। इसमें मैं चीज़ भी कद्दूकस करके ले लूँगी, चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। इस तरह से चीज़ भी कद्दूकस कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, रेड चिली फ्लेक्स, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मैं मिक्स करके डो बना लूँगी। अब मैं इसका छोटा सा पार्ट लूँगी और इस तरह से मैं उसे गोल करके टिक्की का शेप दे दूँगी। इसी तरह मुझे सारे डो का टिक्किया बना लेना है। हम एक तवा लेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसमें हम तेल डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तवा गर्म हो गया और तेल भी गर्म हो गई है। अब उसमें हम इस तरह से बैटर लेंगे और इस तरह से फैला देंगे और इसके ऊपर इस तरह से टिकिया रखकर उसके ऊपर से फिर से बैटर डालकर उसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे हमें पलट के अच्छी तरह से दोनों साइडों से पका लेना है। आप देख सकते हैं हमारे टिक्के दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक गए। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सारे टिक्के सेक लेना है। फ्रेंड्स, हमारे मुरमुरे का नाश्ता बनकर तैयार है। इसे हम सेजवान चटनी और मायोनीज के साथ सर्व करेंगे। ये देख सकते हैं आप, अंदर से भी कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।